गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2 परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखो, इससे पहले भी आपने परसेंटेज निकाली होगी, जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं ना, तो एग्ज़ाम के बाद आपके 100 में से जैसे जितने मार्क्स आए तो उसकी परसेंटेज हम उस हिसाब से निकालते थे। जैसे अगर हमने बोला आपके कि आपका एक एग्ज़ाम हुआ, टोटल कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था, और इस एग्ज़ाम में आपके कितने आए, जिससे अगर आपके मार्क्स आए, हमने बोला 75 मार्क्स आए, तो फिर हम इसका परसेंटेज कैसे निकालते थे, यानी 100 का 75 कितना परसेंट है, उसका वो कितना भाग है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या लिखते थे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे परसेंटेज फाइंड करने के लिए, सबसे ऊपर जितने आपके मार्क्स आते हैं उसे लिखा जाता है, अपॉन जितने में से आते हैं, है ना। जैसे अगर यहाँ पे कितना टोटल 100 है ना, तो 100 में से, तो 100 में से हमारे कितने मार्क्स आ गए, 75। अब जब आपको परसेंटेज निकालना होता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमेशा 100 से। यानी कि जब भी आपको किसी भी डिजिट का परसेंटेज फाइंड करना है तो आपको उसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से। तो 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, अब देखो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 75। अब 75 अपना कितना आ जाएगा, परसेंट। यानी कि आपको याद रखना है किसी भी डिजिट का अगर आपको परसेंट निकालना है, यानी 100 का वो कितना भाग है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसका परसेंट। तो अब जैसे 75 है, तो 75 अपॉन टोटल मार्क्स नीचे लिख के इनटू हमेशा 100 करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो गए, 75, और ये कितना आ जाएगा, परसेंट, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको हमेशा याद रखना कि परसेंटेज है, इसका साइन क्या होता है, इसका साइन ये होता है, स्लैश लगाओ फिर ऐसे दो डॉट लगा दो, तो हमेशा परसेंट, अगर कहीं पर आपको ये साइन दिख जाता है तो दैट मीन्स ये किसका साइन है, ये साइन परसेंटेज का है, तो आपको ये याद रखना है। या अब इस मतलब परसेंटेज का मतलब समझ में आया, जैसे अगर मानो अपने पास टोटल कितना एक बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर हमने ऐसे बहुत छोटे छोटे इसके अंदर क्यूब्स बना दिए, ऐसे बहुत छोटे छोटे लाइन ड्रॉ करके हमने क्यूब्स बना दिए, तो ऐसे हमने बहुत सारे बनाए, समझो ऐसे हमने 100 बॉक्स बना दिए, है ना। तो उस 100 में से हमने कुछ पार्ट कलर कर दिया, जैसे हमने मानो उसमें कुछ पार्ट हमने उसका कलर कर दिया, जैसे अगर हमने बोला कि हमने 100 बॉक्स बनाए थे और हमने 50 क्या कर दिए, कलर कर दिए, तो हमने 100 का कितना पार्ट कलर किया, है ना। तो 100 का हमने हाफ पार्ट कलर कर लिया, और हाफ पार्ट दैट मीन्स 50% हमने उसमें उसको कलर्ड कर लिया। तो जब भी इस टाइप के निकालते हैं तो हमेशा परसेंटेज कैसे निकालोगे, जितना हमें दिया है, है ना, और अपॉन टोटल करके इनटू हमेशा 100 करोगे। अगर जैसे अगर मानो 50 थे, हमने 50 बॉक्स कलर कर दिए, तो 50 अपॉन टोटल बॉक्स कितने थे, 100। परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल, फिर कितना आ जाएगा, 50, और ये क्या आ गया, अपना परसेंट आ गया। तो इस तरीके से हम परसेंट निकालते हैं। अब देखिए, अगर आपको परसेंटेज दे रखा, अब हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, जैसे मैं आपको कुछ कन्वर्ट करना सिखाऊंगी कि कन्वर्ट आप कैसे करोगे, कि अगर आपको परसेंटेज दे रखी है तो उसे आप फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, अगर फ्रैक्शन दे रखा है तो उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हमें सीखना है। तो देखिए, फर्स्ट अपना टॉपिक है इसके बाद कि हमें कन्वर्टिंग करनी है, कन्वर्टिंग अ परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन। देखो, परसेंट, सेंट यानी 100, परसेंट यानी 100 का कितना परसेंट, है ना, कितना भाग, इसको क्या बोलते हैं, परसेंट। अब जैसे हमें कन्वर्टिंग करनी है, परसेंट दे रही है, और हमें किससे कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। जैसे अगर मानो आपको 80% दे दें, है ना, अब आपको परसेंट में दे रखा है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, आपको क्या लिखोगे, सबसे पहले 18 है ना, 18। अब परसेंट का मतलब क्या आता होता है, अपना 1/100, है ना। इस परसेंट की जगह आप क्या लिख दोगे, इनटू 1/100, यानी जहाँ पर भी ये साइन दिख गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/100, यानी 100 का ये 18वां पार्ट, है ना। तो ये परसेंट का मतलब हो गया 1/100, तो क्या हो जाएगा, 18 जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100, है ना, 18/100 ये आ जाएगा। और इसके बाद आप इसे कट करोगे तो 2 9 18, 2 5 10, 0 9/15, अभी कटेगा नहीं, तो 18% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा, अपना 9/15। इसी तरीके से कुछ और करते हैं, जैसे अगर हमने लिया 75 लेते हैं, 75%। अब 75% इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 75 की जगह 75 इनटू, अभी परसेंट है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, 1/100 लिख दिया,
क्या हो जाएगा 75/100। अब देखिए, जब तक इसके लोवेस्ट फॉर्म में डिफाइन कीजिए, 5 से कट कर दें, अगर हम 5 से कट करें या फिर डायरेक्ट 25 से भी कट कर सकते हो, तो 25 से अगर अपन कट करें तो 25 3 75 25 4 100, तो कितना आ जाएगा 3/4। तो 3/4 अपना क्या आ जाएगा आंसर, तो 3/4 फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर आपको परसेंटेज दे रखा है तो फ्रैक्शन फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लोगे इजीली, यानी आपको सिंपली क्या करना है, आपको 1/100 से डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई भी डिजिट आपको, कोई भी परसेंटेज आपको गिवन है, तो डिजिट को आपको क्या करना है 1/4 से 1/100, डिजिट को हमेशा 1/100 से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें कट करके आंसर लिख देना है। तो ये तो क्या हो गया अपना, कन्वर्टिंग हो जाएगा परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन। अब अगर इसका जस्ट रिवर्स करते हैं सेकेंड की, अब हम क्या करते हैं कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन, अब आपको फ्रैक्शन दे दिया है और हमें क्या करना है इसको इनटू अ परसेंटेज परसेंट। अब आपको इसको परसेंट के अंदर कन्वर्ट करना है अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन गिवन है, तो जस्ट इसका क्या कर देंगे। अब देखो, अगर आपको क्या दिया है 1/2, तो 1/2 दिया है और अब आपको इसको परसेंट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो सिंपल है, ये फ्रैक्शन है, इसको करना है तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 1/2 इंटू क्या लगा दोगे 100। अब देखो जैसे ये डिजिट, अगर पहले ये आता कैसे, वैसे फिर इसका मैं आपको शॉर्ट बताऊंगी, है ना, पहले एक लॉन्ग मेथड समझो, यानी कि ये आते कैसे हैं, कि अगर इसे 1/2 है, अगर मुझे इसका परसेंट करना है तो इसे एक 100 और 100, मैंने क्या करा इसी के इक्वलेंट फ्रैक्शन एक और फाइंड किया, तो हमने क्या करा 100/100 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब या तो हम ऐसे लिखें, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि जैसे 1/2 इंटू, अब देखो ये 100 को मैंने अंदर रहने दिया और 1/100 को मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब देखो जैसे हमें अगर कोई डिजिट थी इनटू 1/100, 1/100 किसकी जगह था, इस परसेंट की जगह, यानी अगर आपको कहीं परसेंट दिखता है तो उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1/100। इसी तरह से कहीं अगर 1/100 दिखाए तो उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, परसेंट लिख सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा 1/2 इंटू 100, 1/2 इंटू 100 ये ब्रैकेट में, अब इंटू 1/100 है ना, इस 1/100 की जगह मैं परसेंटेज लिख सकती हूँ, तो मैंने परसेंटेज लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 2 1 2, 2 5 10 0, तो कितना आ जाएगा 50%। तो इस तरीके से अपन इसका आंसर निकालेंगे। तो ये तो हो गया सिंपल फॉर्म में कि हमें लिखना कैसे, यानी पहले वापस से समझ लो कि हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें 100 चाहिए है ना, तो 100 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हमने 100 से मल्टीप्लाई को तो ब्रैकेट के अंदर लिखा और 1/100 को बाहर की तरफ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है ना, 1/100। अब हमें पता है परसेंटेज मीन्स क्या होता है, 1/100, तो हमने 1/100 की जगह फिर हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज, हमने परसेंटेज लिख ली। और ये अंदर हमारा जो ब्रैकेट है देखो, तो ये अंदर का जो है ना, इसको हमें सॉल्व कर लेना है, 2 1 2 2 5 10 0, तो ये तो 50, और इसका 1/100 का क्या बन गया सिंबल, परसेंटेज, तो 50% ऐसे आ जाएगा। तो यानी कहीं पर भी आपको अगर परसेंट दिखता है तो उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, इंटू 1/100। इसी तरीके से एक और लेते हैं, जैसे अगर मानो हमने लिया 3/20, अब 3/20 है, ये भी क्या है अपना फ्रैक्शन फॉर्म में, इससे हमें क्या करना है परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वापस पहले 3/20 इंटू क्या कर देंगे 100/100, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर हमें वापस लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 3/20 इंटू 100, और ये वाले 100 को अपन क्या लिखेंगे, 1/100 बाहर की तरफ। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या कर देंगे, 2 से 2, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, और देखो इंटू 1/100 है ना, 1/100 की जगह अपन क्या लगा सकते हैं, परसेंटेज, तो इसको एक साथ लिखेंगे तो 15% ये आ जाएगा आंसर। तो ये तो हो गया लिखने का तरीका, लेकिन अब बार बार तो मैं इसे लिखेंगे नहीं, तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है देखो, उसे भी सीखो है ना शॉर्ट में। अब हमें, हम कैसे लिखते हैं कि अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, डायरेक्ट 100 करके परसेंट का साइन लगा दोगे है ना। जिस तरह से अभी तो हम क्या कर रहे थे, टेबल में एक एक करके 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 100 से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। जबकि इसका सेकंड मेथड ऐसा ही है कि आप क्या लिखोगे, जैसे अगर मानो यही है अपना ना, जैसे हमने लिखा 3/20 ये है,
तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इनटू 100 करके और बाहर परसेंट का साइन लगा दो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है और बाहर परसेंट का साइन आपको अपनी मर्जी से ऐसे लगा देना है। तो अभी कितना हो जाएगा जी, ये कैंसिल 5, और ये कितना आ जाएगा 50%। यानी आपको क्या करना है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है, बाहर परसेंट का साइन लगा देना है। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे 4/5 है, 4/5 फ्रैक्शन है, अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप क्या लिखोगे, 4/5 इंटू 100 और बाहर परसेंटेज ऐसे लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 80%। यानी 4/5 कितना परसेंट होता है, 80% होता है। ये इसका मतलब कितना है, ये जो 5 है ना, इसका 4 कितना पार्ट है, 80% पार्ट है। तो इसी तरीके से अपन 80% लिखेंगे। तो ये आपको कन्वर्ट करना आ गया, फ्रैक्शन से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन से हमने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कन्वर्ट करेंगे अपन, थर्ड है अपना कन्वर्टिंग अ परसेंट इंटू अ डेसिमल। अब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि देखो, जैसे अगर अपन को लिखते हैं 25%, और जब आपको 25% दे दिया तो इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो 25, अब मैंने बताया था परसेंट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1/100, ये लिख दिया। अब इसको एक साथ लिखो तो 25/100 ये आ जाएगा। अब अगर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है नीचे 20 है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले डिजिट 1, 2 डिजिट के आगे पॉइंट, उसके आगे 0, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अपन एक और लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 125%, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको, तो क्या लिखोगे, 125 इंटू, अब परसेंट की जगह कितना जाएगा, 1/100, मल्टीप्लाई करो 125/100। अब नीचे देखो 2 है ना, तो 125, अब नीचे 2 है तो 1, 2 डिजिट के आगे क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है आपका कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू परसेंट। कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंट में आपको क्या करना है कि आपको किसी भी डिजिट दे देंगे, डेसिमल दे देंगे, जैसे अगर हमने लिख लिया डेसिमल को 25%, अब कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू परसेंट, तो अब आपको परसेंट दे रखा है, तो सबसे पहले इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से, और डेसिमल से वापस से आपको किस तरीके से परसेंट में कन्वर्ट करना है वो भी सीखेंगे। देखिए है ना, अब ये पहले डेसिमल लिख लेते हैं, डेसिमल का दे रखा है ना, तो जैसे अभी अपन ने वापस से सीखा था, इसी को फिर दोनों तरफ से कन्वर्ट करके मैं वापस सिखाऊंगी आपको ना, जिस तरीके से 25 है ना, हमने लिखा 0.025 डेसिमल है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 0.25 है, पॉइंट हटाओगे, नीचे कितना आ जाएगा 100, ठीक है, कितना आ जाएगा 25/100 ये आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप क्या कर दो, अब देखो ये आ गया ना, ये तो हमने क्या कर लिया, अभी इसको सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ढंग से सुनिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, 100 से 100 कैंसिल कितना आ जाएगा, 25%, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट है अगर अपना, जैसे हम लिखते 1.9, अभी डेसिमल है, इसे किस में करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो पहले वही 1.9, अब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है, कितना आ जाएगा 90/10। अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल कितना आ जाएगा, 190, तो अपना कितना आ जाएगा यहाँ पे 190%, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब अपना फोर्थ है कि देखो, अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग अ परसेंट इनटू अ डेसिमल, जस्ट इसका रिवर्स करते हैं, आपको क्या दे रखा है परसेंट, और हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, डेसिमल में, जैसे वापस ले लेते हैं 25%, देखो 25% आया ना, अब इसको वापस हमारे पास अगर यही डिजिट आ जाती है तो इसका रिवर्स करेंगे, तो अब देखिए 25% के लिए हम क्या करें, 25% का साइन हटाएंगे तो वाई क्या जाएगा, 1/100, परसेंट का साइन हटाते ही क्या जाएगा, 1/100 ये आ गया।
अब हमें क्या लिखना है, इसे क्या करना है, 25/100। अब देखिए नीचे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना, 1 2, तो हम क्या लिखेंगे, 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे, ये 0, तो ये आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज से डेसिमल में इस तरीके से हम कन्वर्ट कर देंगे। उसी तरह से कोई सी भी डिजिट ले सकते हैं ना, जैसे से पहले वाला मैंने आपको ये सिखाई दिया अभी, है ना, और वापस फिर से सिखा दिया। तो इस तरीके से अगर परसेंटेज है तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल है तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो परसेंटेज है तो 1/100 करके उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, और अगर डेसिमल है तो क्या करोगे, 100 करके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे आप। इसके बाद आएगा आपका कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इंटू रेशो। कन्वर्टिंग अ परसेंट इंटू अ रेशो। अब अगर आपको रेशो के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो अगर हमने लिख लिया जैसे 11%, तो 11% है। अब इसे अगर रेशो में लिखना है आपको, तो रेशो में कैसे लिखोगे, देखो 1100 की जगह परसेंट की जगह कितना जाएगा, 1/100, दैट मीन्स 11/100। ये क्या आ जाएगा आपका, रेशो की फॉर्म है ना, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, जिससे अगर हमें रेशो की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 11:100, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको देंगे जैसे मानो 28% दे दिया, अब 28% को आपको रेशो फॉर्म में लिखना है, तो 28 × 1/100, दैट मीन्स 28/100। अब देखो जब आप ये बार बार करना सीख जाओगे ना, तो फिर आपको ये वाली स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, 28% की जगह 1/100, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, 28/100, ये लिख दिया हमने। अब इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिख दोगे, या तो देखो इसको लिखोगे 28:100, और अगर आपको सिंपल फॉर्म में लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको इसके इक्विवेलेंट रेशो भी निकाल सकते हो। सबसे पहले इसे कट भी कर सकते हैं अपन, है ना, जैसे हमने किया इसको कट, 4 से कट करो, 4 7 20, 4 2 8, 4 5 20, कितना जगह, 7/25, जिसको अगर हमें रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7:25, ये आंसर आ जाएगा। तो 28% है जिसको रेशो फॉर्म में अपन 7:25 भी लिख सकते हैं, और 28:100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे इक्विवेलेंट रेशो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज को रेशो के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट है अपना 6, कन्वर्टिंग अ रेशो इंटू अ परसेंटेज। अब हमें इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आपको कोई भी रेशो गिवन है, जैसे मानो 1:2, ये आपको गिवन है। अब आपको इसको क्या करना है, परसेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जैसे ये रेशो है ना, इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में, यानी कि 1/2, इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया हमने। देन इसके बाद अगर अब हमें इसे परसेंट लिखना है, तो परसेंट कैसे लिखेंगे, अब हम इसका देखिए 1/2, यानी रेशो को जब भी परसेंट में कन्वर्ट करना है आप क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 2, 2 5 10, 0, कितना आ जाएगा, 50%, इस तरीके से डायरेक्ट लिखते हैं ना, जिस तरह से मैंने पहले आपको सिखाया था ना, 100/100 कर रहे थे अपन, फिर 100 को अंदर 100 को बाहर, तो डायरेक्ट इतना ना लिखें हम, डायरेक्ट भी क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 100 कट करके, और डायरेक्ट यहाँ पे अपन केस का साइन लगाएंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन ये, और यहाँ पे परसेंट का साइन लेता है ये, तो इस तरीके से आ जाएगा। जैसे अपना 4/25, ये एक रेशो दे रखा है, सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, देन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 4/25 × 100% ऐसे लिख देते हैं। अब इसे कट करो, 25 × 4 100, 4 4 कितना आता है, 16%, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा, कि हमने आपको हर एक तरीके से बताया है कन्वर्ट करना, कि हम किसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। आपने रेशो को परसेंटेज, परसेंटेज को रेशो को ना, परसेंटेज डेसिमल, डेसिमल परसेंटेज, ये सब अच्छे से फाइन करना सीख लिया है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन फॉर्म, ये हर एक चीज़ हमने सीख ली है। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट परसेंटेज निकालना सीखेंगे, कि परसेंटेज का फॉर्मूला सीखेंगे, कि भाई हमें परसेंटेज कैसे निकालना है। जैसे एक एग्जांपल से आप और अच्छे से समझ सकते हो। देखो ये सब चीज़ समझ ली हमने,
अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ द नंबर, कि अगर हमें परसेंट निकालना है किसी का तो वो कैसे निकालते हैं। देखो हमेशा हमें क्या लिखना है कि जैसे अगर मानो हमने दे दिया, जैसे कुछ सभी है ना, जैसे अब देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमने वापस से लेते हैं कि जैसे एग्ज़ाम लिया हमने ना, तो पेपर टोटल मार्क्स का, टोटल मार्क्स जैसे 80 मार्क्स का पेपर हुआ और उस 80 मार्क्स में से आपके आ गए हैं 30 मार्क्स। जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है ना, और उसे कितने मार्क्स आए, 30 मार्क्स। तो अब हम फाइंड करेंगे कि 30 मार्क्स 80 मार्क्स में से आए हैं तो कितना परसेंट आया है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, जितने मार्क्स आते हैं अपॉन टोटल है ना, जितने मार्क्स का पेपर है इनटू क्या कर देते हैं 100, कट करो कितना हो जाएगा, इसे कट करो 4 2 8 और ये कितना हो जाएगा 4 2 8 4 5 20 कितना हो जाएगा ये 75/2। अब इसे डिवीज़न कीजिए आप, कितना हो जाएगा 2 3 6 2 7 40 0.25 10 37.5% ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं और ये फॉर्मूला है अपना। अब आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है आपको एक बार करने की कोशिश करनी है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आज अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।